वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो स्वागत है आप सबके हमारे न्यू व्लॉग में। मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मैं घर हमारा चेंज हो रहा था। मैं भाड़े के घर में रहती हूँ ना, तो मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ही छोटा घर था, इसीलिए मैं दूसरे जगह शिफ्ट हो रही थी। उसी के कारण मैं वीडियो आप सबको नहीं दे पा रही थी। तो आज मैं बनाऊँगी फिश कड़ी, तो पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं फिश करी बनाने के लिए। यहाँ पर मैं रुई मच्छी ली हूँ, इसमें मैंने हल्दी नमक मिलाकर मैं रखी हूँ। यहाँ पर मैं मसाले में हल्दी मर्चा जीरा और सरसों सबका पेस्ट मैं बनाकर रखी हूँ। यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, अब मैं इसमें मछली को भूज लूँगी। यहाँ पर हमारा मछली देखिए लाल करके मैं भूज ली हूँ। अब यहाँ पर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पचफोरन डाल दूँगी। हमारा पचफोरन लाल हो जाएगा तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी। देखिए हमारा पचफोरन लाल हो चुका है, अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। अब आलू को मैं लाल करके भूजूंगी। अब इसमें इसे लाल करके भूजूंगी, इसके बाद मैं इस पर मसाला डालूंगी। हमारा आलू हल्का हल्का लाल हो चुका है, देखिए देख सकते हैं। ज़्यादा मुझे लाल नहीं करना आलू, क्योंकि आलू में मसाले में ये गल ही जाएगा। अब मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। देखिए मसाले में मैं टमाटर काट चुकी हूँ। इसके साथ साथ मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से लाल करके भूजूंगी मसाले आलू को। हमारा मसाला और आलू सभी अच्छी तरह से भजा गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, पानी आप अपने अंदाज से भी डाल सकते हैं। मुझे हल्का ग्रेवी चाहिए बस। अब मैं इसे ढक दूंगी। यहाँ पर हमारा आलू सीज गया है, देखिए हमारा आलू सीज गया है। अब मैं इसमें मच्छी डाल दूंगी। बस हमारा मछली ये हो जाएगा, थोड़ा झोल और सूख जाएगा तब मैं इसे उतार दूंगी। यहाँ पर हमारा मछली बनकर रेडी है, देखिए हमारा मछली बन गया है। मुझे इतना ही ग्रेवी चाहिए था, अब मैं इसे निकाल दूंगी। गर्मा गर्म हमारा मछली बनकर रेडी है। अब इसे भात संग या रोटी संग किसी चीज़ संग भी खा सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह बना है। इसी तरह आप लोग पूरे सिंपल तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में।